नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम YouTube पर कुछ भी डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हम अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे और कोई किसी को क्या बोल देंगे वो आपको नहीं पता है। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो किसी को लेकर कुछ भी बोल देते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी वीडियोज वायरल हो जाए, लोग हमको देखें और हमारी खबरों को लोग देखें। लेकिन उसमें कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसको लेकर एक बहुत बड़ा बखेड़ा भी शुरू हो जाता है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। वैसे अगर मैं आज आपको अगर बताऊं तो आप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम छोटे यूट्यूबर हैं, हमारा वीडियोस किसके पास पहुंचेगा? हमारा वीडियोस ना बड़े स्टार के पास पहुंचेगा, ना बड़े सेलिब्रिटीज के पास पहुंचेगा, ना बड़े पॉलिटिशियंस के पास पहुंचेगा और आप आकर जोश में आनंद फानंद में कुछ भी बोलते नजर आते हैं। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती है अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो। सोशल मीडिया का इतना ज्यादा फैन बेस्ड है और सोशल मीडिया इतना ज्यादा इंप्रूव हो रहा है कि सोशल मीडिया आप एक घर में बैठे कोई भी ऐसा काम करेंगे कब किसके पास पहुंच जाए ये आपको भी अंदाजा नहीं होता है और आप जिसके बारे में नहीं सोचते हैं उसके पास भी ये चीजें पहुंच जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई सारे लोग बंदूक लहराते नजर आते हैं फेसबुक पे, लाइक सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक पे कोई किसी को मारते नजर आता है, किसी को डुबोते नजर आता है, ऐसी कई सारी वीडियोस वायरल होती हैं जो कि आपत्तिजनक से रिलेटेड और काफ़ी ज़्यादा क्राइम से रिलेटेड और हिंसा फैलाने वाली चीज़ें होती है जिसको लेकर पुलिस जो है वो कई सारी IPC धारा उन पर एक्ट कर देती है और उसको लेकर पुलिस जो है डायरेक्ट एक्शन भी लेती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर कोई आप चीज़ कर रहे हैं दैट मीन कि आप ओपनली किसी के सामने बोल रहे हैं और आप जब ओपनली बोल रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें किसी के पास भी जाएगी तो एज अ एविडेंस के तौर पर उसको पेश किया जा सकता है। तो अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो YouTube पे जब काम करते हैं तो आपको एकदम क्लियर और सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं कि हम किसी को उठाकर कुछ भी बोल दिए तो उसमें आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और ऐसी ही एक खबर सामने आ रही है कि अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड के बादशाह हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे हैं, अक्षय कुमार ने एक लड़का है जिसका नाम है रशीद सिद्दीकी नाम है और वो एक यूट्यूब चैनल चलाता है, खुद इंजीनियर है और वो एक यूट्यूब चैनल चलाता है जिसका नाम है, अगर हम बात करें तो FF न्यूज़ करके है, FF न्यूज़ उसका चैनल है, इंजीनियर भी है और साथ में जो है वो अपना न्यूज़ भी चैनल चलाता है। तो न्यूज़ चैनल चला रहा था तो बीच में जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती का जो मामला लगातार सामने आया था उसको लेकर उन्होंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो ये बनाया था कि अक्षय कुमार जो है इंटरनली तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को कैनेडा भेजने की। ऐसे उस जो याचिका दायर है उसमें कहा गया है कि अक्षय कुमार जो है वो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को कनाडा भेजने के प्लान में कर रहे थे और इंटरनली प्लान कर रहे थे। ऐसा आमिर सिद्दीकी जो कि रशीद सिद्दीकी जो है वो कहीं ना कहीं अपने FF न्यूज़ पर इस प्रकार की खबरें चला रहा था और उस टाइम काफ़ी ऐसे खबरें चला रहा था जो कि उसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई एविडेंस तक नहीं है। उसके बाद यही बता रहा था कि आपको सोशल मीडिया का कमाल है, शायद पहुंच गया होगा अक्षय कुमार की टीम PR के पास, अक्षय कुमार के पास पहुंच गया होगा और उस पर उन्होंने जबरदस्त तरीके का एक्शन ले लिया है और एक्शन में उन्होंने मानहानि का दावा ठोक दिया है। यानी कि जो रशीद सिद्दीकी है जो FF न्यूज़ चलाता है उस चैनल पर अक्षय कुमार ने मानहानि का केस ठोक दिया है और उस केस में 50 करोड़ रुपए मानहानि का केस कर दिया है। मतलब ये हुआ कि अब जब नोटिस जाएगा तो यह मामला कोर्ट में जाएगा। अगर रशीद सिद्दीकी उस चीज को साबित कर पाता है तो ठीक है, अगर नहीं कर पाता है तो फिर 50 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अगर 50 करोड़ रुपए नहीं दे पाया तो फिर पूरी जिंदगी जेल में सजा काटता रहेगा। मतलब ये हुआ कि उसकी जिंदगी पूरी झंड हो गई, उसकी जिंदगी पूरी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसकी जिंदगी पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा था कि अगर आप YouTube पे काम करते हैं, चाहे आप न्यूज चैनल्स की काम करते हैं या फिर और भी कोई सारी चीजें काम करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप ये सोचिए कि आप
सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आप दिखाते हैं तो उसके पास क्या आपके पास परिणाम है जिसके माध्यम से आप इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा आपको स्पष्ट तरीके से जानकारी होना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो फिर आप ऐसे ही कोई भी खबर चला देंगे तो इसी प्रकार का केस आप पर भी हो सकता है और हो सकता है कि आप भी एक दिन शराखों के पीछे रहें। नहीं तो आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो फिर दे के आराम से अपना काम करते रहे। तो इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती है, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है, तो आप बेहतर तरीके से और सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें। क्लिक बेट लोग करते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं और ऐसा अगर करते हैं उनके पास पहुंचता है तो फिर जिसके FF न्यूज़ वाला यानी कि राशिद सिद्दीकी के साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो आपके साथ भी एक दिन हो सकती है। इसलिए आप साफ रहें, सुथरा रहें, स्वच्छ रहें और सही कंटेंट जो है यूट्यूब पर प्रोवाइड करें, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल कहीं भी पहुंच जाता है, हर घर के मोबाइल में घुस जाता है, चाहे आप कंबल ओढ़ के सो रहे हो या फिर चार दीवारों के अंदर में बंद हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें और सही तरीके से काम करें। मुझे लगा कि आप सभी को ये संदेश देना चाहिए जो इस प्रकार का काम करते हैं। तो अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।